हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों आज हम बात करेंगे पेपर सेकंड पर। डीएड एग्जाम प्रिपरेशन चल ही रही है हमारी। दोस्तों देखिए डीएड एग्जाम प्रिपरेशन में आज का जो टॉपिक रहेगा, हम पेपर सेकंड पर बात करेंगे। पेपर सेकंड में देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं पेपर सेकंड में, और किस प्रकार से हमने उनको हल करना होता है, और किस किस प्रकार से उनका पूछने का तरीका या मेथड, क्योंकि हर क्वेश्चन का अलग अलग तरीका होता है। और हम देखेंगे कि किस प्रकार से हमें करना चाहिए, पहले कौन से क्वेश्चन का हमने चयन करना है, किसको पहले करना है, ठीक है, ये सारी चीजें सीखेंगे दोस्तों। तो देखेंगे दोस्तों कि पेपर सेकंड से किस प्रकार से हमने 3 घंटे के अंदर अपना पेपर पूरा हल करना है, ठीक है दोस्तों। तो प्रश्न पत्र में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं इस पर बात करेंगे। जैसे कि दोस्तों सभी लोग जानते हैं और सभी लोग जान चुके हैं कि पेपर किस प्रकार से आता है। पेपर में 4 प्रकार के प्रश्न होते हैं। पहला प्रश्न होता है जिसमें क्या है, हमने फुल फॉर्म्स को लिखना होता है, ठीक है, जिसमें लिखा होगा पहले एक्सप्लेन द फॉलोइंग, ठीक है, यानी कि निम्नलिखित को विस्तार करें या निम्नलिखित का नाम लिखें। तो उसमें हमने जो हमारी 5 फुल फॉर्म होंगी, प्रत्येक फुल फॉर्म एक एक नंबर की होती है, और हमने क्या करना है, उनको लिखना है जिसका एक नंबर होता है एक फुल फॉर्म का, तो ये 5 नंबर का पहला प्रश्न होता है हमारा। दूसरा है दोस्तों आंसर द फॉलोइंग इन टू और इन 1 और 2 सेंटेंसेस, यानी कि निम्नलिखित में से किन्हीं एक या दो वाक्यों में इसका आंसर दें या उत्तर दें, ठीक है, वाक्यों में एक या दो वाक्यों में उत्तर दीजिए। ठीक, उसके बाद क्या है, दो नंबर के हमारे पास 5 प्रश्न होते हैं, ठीक है दोस्तों, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का है, तो उन 5 प्रश्नों को हमने 2 वाक्यों में उनके उत्तर देने हैं, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा प्रश्न है दोस्तों, तीसरा प्रश्न क्या है, तीसरे प्रश्न में 5 प्रश्न होते हैं और प्रत्येक प्रश्न 5 नंबर का होता है, लेकिन इसमें क्या है, एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, राइट द शॉर्ट आंसर वन एनी 4 क्वेश्चन, यानी कि क्या करना है, राइट शॉर्ट द आंसर ऑन 1 एनी 4 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 पर लघु उत्तर दीजिए, यानी कि हमारे पास प्रश्न कितने हैं, 5 प्रश्न है, 5 में से हमने केवल 4 का चयन करना है और उन्हीं 4 के हमने उत्तर देने हैं, ठीक है दोस्तों। अब हमें देखना है कि इसमें से हमने 4 कौन कौन से करते हैं, किस प्रकार के प्रश्न का हमने चयन करना है। देखिए दोस्तों सभी लोग समझदार हैं और सभी टीचर्स हैं दोस्तों, तो बहुत ज्यादा मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपकी हेल्प के लिए अगर देखूं तो बता देती हूँ कि किस तरीके से करना है। देखिए बुद्धि और विकास को परिभाषित कीजिए, इसके अंतर को समझाइए। मैंने पेपर सेकंड की अगर बात करूं तो केवल मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियोज हैं जो मैंने अपलोड किए हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जिनको मैं अभी तक अपलोड नहीं कर पाई हूँ। कोशिश कर रही हूँ मैं आपका जितने जो टॉपिक रह गए हैं इंपोर्टेंट टॉपिक आपके वो पूरे करा दूं पेपर तक, ठीक है दोस्तों, उससे पहले भी मैं कोशिश कर ही रही हूं, देख ही रहे हैं आप लोग। तो दोस्तों सबसे पहले क्या है, बुद्धि, यानी कि हमने इस पेपर में पढ़ाई क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है दोस्तों, बुद्धि और वृद्धि दो ही चीज पढ़ी है, तो क्या ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट था, और इसलिए और आना भी है, ऐसा नहीं है आज मैंने जो लिखाया है अपनी तरफ से वो आपको ना आए, ये क्वेश्चन इतना मोस्ट इंपोर्टेंट है और इसी प्रकार से ये क्वेश्चन बनता है, ये बदला नहीं जाएगा, बहुत होगा तो वृद्धि और विकास के सिद्धांत पूछ लेगा एक साथ में, लेकिन ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, ठीक है, एग्जाम के लिए बदला नहीं जाएगा, इसी प्रकार से पूछा जाएगा, वृद्धि और विकास को परिभाषित कीजिए और इसके अंतर को समझाइए। तो इसमें हमने क्या करना है, कितने नंबर पे देना है, हमने 150 शब्दों में इसका आंसर देना है, हमें ध्यान रखना है, कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा तो चलेगा लेकिन कम नहीं चलेगा। तो इसमें हमने वृद्धि को पहले बताना है, वृद्धि क्या है, ठीक है, तो अभिवृद्धि या वृद्धि क्या है उसके बारे में हमने अर्थ परिभाषा करने के बाद हमने विकास को वैसे ही करना है उसका अर्थ परिभाषा, और फिर उसके अंतर को स्पष्ट करना है, यानी कि उनमें अंतर क्या है। तो इधर हमारी वृद्धि आ जाएगी और इधर आ जाएगा हमारा विकास, तो दोनों में क्या अंतर है, दोनों के अंतर को आप स्पष्ट करेंगे कम से कम 10 लाइनों में, ठीक है, वृद्धि को भी और विकास को भी, इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन करना है कम से कम 150 शब्दों में। दूसरा है दोस्तों बुद्धि का अर्थ परिभाषा और प्रकाश लिखिए, प्रकार लिखिए क्या है दोस्तों, यानी कि बुद्धि क्या है, इंटेलिजेंट क्या है, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंट उसने बोला है कि
बुद्धि का अर्थ क्या है? बुद्धि को तो इसमें हमने क्या करना है, बुद्धि का अर्थ लिखना है, परिभाषा कम से कम दो परिभाषाएं देनी है इंटेलिजेंस की, और टाइप्स पूछे हैं, ठीक है, जिसमें है हमारा मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, ठीक है दोस्तों, स्थानिक बुद्धि। तो जितने भी बुद्धि के प्रकार हैं आपको वीडियो मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाइए आपको, क्योंकि पेपर टू और पेपर फाइव दोनों सिमिलरिटी है, दोनों दोनों में, ठीक है, क्योंकि इसमें भी साइकोलॉजी बहुत ज्यादा मिक्स है और उसमें भी साइकोलॉजी, इसमें चाइल्ड साइकोलॉजी है एक तरीके से और उसमें एजुकेशनल साइकोलॉजी है। तो दोस्तों दोनों ही पेपर थोड़ा मिक्सअप हो रखे हैं थोड़े, तो इसमें क्या करना है आपको कि पेपर टू के प्लेलिस्ट में जाएंगे आप, तो पेपर टू में आपको थोड़ा मिलेगा और थोड़ा मटेरियल आपको पेपर फाइव में मिलेगा, तो दोनों में आप देख लीजिए कि कैसे कैसे है। तो इसमें क्या है कि बुद्धि का अर्थ, परिभाषा और प्रकार, तो बुद्धि के प्रकार का मैंने बहुत अच्छे से आपको वीडियो अपलोड कर रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाइए, या तो पेपर टू में मिल जाएगा, पेपर टू में नहीं मिला तो पेपर फाइव में तो डेफिनेटली मिल जाएगा आपको, ठीक है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसको भी आपने, अब इसमें करना कैसे, हमने बुद्धि के बारे में लिखना है, बुद्धि क्या है, उसका अर्थ परिभाषा, उसके प्रत्येक प्रकार को आपने डिटेल में बताना है कि मूर्त बुद्धि है तो मूर्त बुद्धि क्या है, कौन कौन सी बुद्धि है उसका उदाहरण दीजिए, ठीक है दोस्तों, अमूर्त बुद्धि क्या है। उसके बाद हमने दो क्वेश्चन का चयन कर चुके हैं और हमने ये दो क्वेश्चन करने हैं, हल नहीं करने, अभी हमने चयन करना है कि हमें पता है इसमें से ये करना है और 150 शब्दों का हम अच्छे से कर सकते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन अवलोकन, पर्यवेक्षण क्या है, इसके प्रकारों पर प्रकाश डालिए। दोस्तों देखिए अब ये क्वेश्चन आ गया पर्यवेक्षण, वैसे तो अपने आप में बहुत बड़ा है अगर हम करना चाहें तो, लेकिन फिर है ना इसके प्रकार क्या थे तो थोड़ा सा लग रहा है कि नहीं इसको चयन नहीं करेंगे हम, ठीक है, तो क्या हुआ हम इसको नहीं देखेंगे, हमें समझ नहीं आ रहा है, अब हम देखेंगे रोकथाम क्या है, प्राथमिक रोकथाम कौन कौन से हैं, हमें याद आ जाएगा, रोकथाम तो हमने पेपर एट में पढ़ा है, पेपर फर्स्ट में भी पढ़ाया गया है, पेपर टू में भी पढ़ाया गया है, और डिसेबिलिटी के कॉजेस में भी हमें बताया जाता है, तो रोकथाम तो, और वो भी प्राथमिक रोकथाम सबको पता होता है, तो इसमें तो आप कम से कम 150 या 200-300 शब्द भी आप लिख सकते हैं, तो ये भी दोस्तों आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, ठीक है, और पेपर में जरूर पूछा जाता है, हर बार परीक्षा में आता है ये आपके लिए, ठीक है, रोकथाम क्या है और प्राथमिक रोकथाम के जितने भी कारण है, जितने भी पॉइंट्स हैं, आपको बारी बारी लिखने और थोड़ा उसको डिटेल में भी समझाना होगा, ठीक है। उसके बाद है बुद्धि परीक्षण को परिभाषित कीजिए, अब हम बुद्धि परीक्षण के प्रकार लिखिए, ठीक है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक था, इसीलिए मैंने आपको आज ये मॉर्निंग में ही आपको ये टॉपिक कराया है, बुद्धि परीक्षण क्या है, इंटेलिजेंट टेस्ट, ठीक है, तो इसके प्रकार और हमेशा आते हैं, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका बुद्धि के बुद्धि परीक्षण, तो हो सकता है पेपर फाइव में भी आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, आपके ये तीन, इसमें से मुझे ऐसा लगता है जो मैं बता रही हूँ आपको, दो तो बहुत ही ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए और दूसरा ये क्वेश्चन, ठीक है, ए और ई दोनों ही आप देख लीजिए, आपको कहीं नहीं जाएगा, आपके पेपर में जरूर आएंगे ये दोनों प्रश्न। तो इसमें हमने बुद्धि परीक्षण क्या है, मापन दोनों बताने हैं, उसके बाद इसकी परिभाषाएं बतानी है और बुद्धि परीक्षण के प्रकार, जैसे कि आज हमने बताए थे आपको कौन कौन से थे, शाब्दिक, अशाब्दिक और क्रियात्मक बुद्धि, तीनों को बताना है, फिर तीनों के हमने प्रकार थे उसमें व्यक्तिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और दूसरा प्रकार था उसका सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, ठीक है दोस्तों, तो उनकी डिटेल में आपको लिखना पड़ेगा, इसमें प्रकार यानी कि बुद्धि परीक्षण के प्रकार पूछे हैं तो उसके जो सब होंगे उसके अंदर जितने भी बिंदु हैं आप उसको सारा लिखेंगे, ऐसा नहीं है बुद्धि के प्रकार लिख दिए उसके बाद कुछ नहीं, लेकिन आपने प्रत्येक प्रकार को आपके उसके बारे में लिखना होगा कि शाब्दिक बुद्धि परीक्षण क्या है और उसके जो दो प्रकार है शाब्दिक बुद्धि परीक्षण के उसको भी आपको लिखना पड़ेगा, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण के भी आपको उसके प्रकार लिखने पड़ेंगे, क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण का कोई प्रकार नहीं है, उसका दूसरा नाम है निष्पादन बुद्धि परीक्षण, ठीक है दोस्तों, इस तरीके से। अब क्वेश्चन जो फोर है हमारा, प्रश्न चार जो है, इसमें किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें है जैसे आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन डिटेल, यानी कि निम्नलिखित में से किसी एक पर विस्तार पूर्वक उत्तर दीजिए, क्योंकि इसमें से तीन क्वेश्चन है सबको पता है, अब तीन में से एक करना है और हमने करना क्या है, कम से कम 250 शब्दों का करना है हमने ये, अब 250 शब्दों के लिए हमने कौन सा प्रश्न चयन करना है, सबसे पहले कह रहे हैं विकास के सिद्धांतों को साधारण वर्णन कीजिए, प्याजे के बोधात्मक विकास की अवस्थाओं का वर्णन कीजिए, और फिर है टीकाकरण,
ठीक है दोस्तों, टीकाकरण क्या है, यानी कि उन्होंने टीकाकरण लिखा होगा तो इम्यूनाइजेशन क्या है इसके बारे में आपने बताना है। तीनों ही बहुत ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें से मैं ये नहीं कह सकती कि आपका इनमें से कि कौन सा प्रश्न इम्पोर्टेंट है, तीनों ही इम्पोर्टेंट है, कोई भी आ जाएगा। और तीनों ही ऐसे हैं कि अगर आप चाहे तो 500 शब्दों में भी लिख सकते हैं इसको, अपने आप में बहुत ही ज्यादा विस्तृत टॉपिक है ये, ठीक है। अब विकास के सिद्धांत, 10 सिद्धांत है हमारे विकास के, अगर प्रत्येक सिद्धांत को आप एक सिद्धांत को कम से कम 5 या 6 लाइनों में या 10 लाइनों में भी आप करेंगे तो आराम से कर पाएंगे। विकास के सिद्धांत कितने हैं, बहुत सारे हैं। विकास क्या है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, एक दिशा सिद्धांत है, एकीकरण का सिद्धांत है, पदमुखी का सिद्धांत है, बहुत सारे सिद्धांत है इसके, एक दिशा का सिद्धांत। तो 10 सिद्धांतों को अगर आप कम से कम 10 ही लाइनों में लिखेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो कम से कम आप 250 शब्दों में इसको लिख सकते हैं, क्योंकि पहले तो हमने विकास के बारे में बताना है, इसका कम से कम 1 पेज का परिचय करना है, 2 परिभाषाएं देनी है विकास की, उसके बाद इसके सिद्धांत लिखने हैं, फिर सिद्धांतों को उदाहरण के साथ हमने क्या करना है, वर्णन करना है उसका, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को भी 250 शब्दों में आराम से कर सकते हैं अगर करना चाहेंगे, ठीक है। दूसरा है प्याजे के बोधात्मक विकास की अवस्थाओं का वर्णन कीजिए, जैसे कि प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास, ठीक है दोस्तों, या बोधात्मक का मतलब संज्ञानात्मक ही होता है, ऐसा नहीं मत सोचना कि हमें तो मैडम ने या हमने किताब में या गूगल पे, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते नहीं कि अर्थ वही होता है लेकिन पता नहीं होता है तो फिर बस वही चीज हो जाती है। तो बोधात्मक का मतलब होता है ज्ञानात्मक भी होता है, ठीक है, संज्ञान भी होता है और संज्ञानात्मक भी होता है, संज्ञानात्मक, ठीक है। तो जो प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की उसने अवस्थाएं दी है, जिसमें संवेदीय गामक अवस्था दी है, पूर्ण संकेतात्मक अवस्था दी है, मूर्त संकेतात्मक अवस्था और अमूर्त संकेतात्मक अवस्था, ये सभी जो 4 अवस्थाएं उसने बताई है, 4 या 5 अवस्थाएं है दोस्तों, 4 अवस्थाएं मेरे हिसाब से, तो चारों अवस्थाओं को आपने इसमें बताना है क्या है और कह रहे अवस्थाओं का वर्णन करना है, यानी कि प्रत्येक अवस्था कितने वर्ष से कितने वर्ष तक की होती है, संवेदी गामक अवस्था और जो मूड संकेतात्मक अवस्था तो कितने वर्ष में स्टार्ट होती है, कितने वर्ष तक के लिए होती है, ये सारी चीजें और उसमें कौन कौन सा संज्ञानात्मक विकास हो जाता है, किस प्रकार की विशेषताएं बच्चे में आ जाती है, उन सभी अवस्थाओं का आपको वर्णन करना है। तो बहुत अच्छे से अगर आप चाहेंगे तो 250 शब्दों में कर सकते हैं, और ये टॉपिक भी आपको पेपर 5 में भी मेरा मिल जाएगा और पेपर 2 में भी आपको प्लेलिस्ट में सेव किया हुआ मिलेगा। टीकाकरण क्या है, इम्यूनाइजेशन, अभी 10 दिन पहले मैंने वीडियो आपको अपलोड किया था, इम्यूनाइजेशन क्या है, टीकाकरण क्या है, प्रतिरक्षक क्या है, ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको दिया था और उसमें तालिका मैंने पूरी बनाई थी आपको कि कौन सा टीका या कौन सा हम जो ले रहे हैं प्रतिरक्षक वो किस समय लगना है बच्चे को और क्यों लगना है। तो इसका अगर आप चाहें अगर उस वीडियो को देखेंगे तब भी आप इसको 200 या 250 शब्दों में कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये तीनों ही बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, हो सकता है इनमें से आपको कोई एक क्वेश्चन देखने को मिल जाए, ठीक है, तीनों ही देख लीजिए। वैसे भी मैं आपको ऐसे या टॉपिक देती हूँ या ऐसे टॉपिक सिलेक्ट करती हूँ जो आपके एग्जाम के बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट हो, बहुत ज्यादा सिलेक्ट करके आपको क्वेश्चन देती हूँ, उसी प्रकार से मैं लिखती हूँ जैसे कि प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, जैसे कि अब बोधात्मक आ गया, ठीक है दोस्तों, तो क्या समझ, अब बोधात्मक का मतलब समझ नहीं आ रहा था क्योंकि प्याजे ने संज्ञानात्मक का दिया है, जब तक हमें इसका अर्थ नहीं पता होगा तब हम क्या करेंगे, अरे बोधात्मक तो हमने पढ़ा ही नहीं है, बोधात्मक संत कोई सिद्धांत ही नहीं दिया है प्याजे ने, लेकिन ऐसा नहीं है, इसके अन्य भी अर्थ हो सकते हैं, तो शब्दों को एक बार देख लीजिए, ठीक है दोस्तों। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है या कुछ पूछना है, कुछ डाउट है, कुछ गलत लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक मिल जाए।